विश्व के मानचित्र पर सात महाद्वीपों में सबसे बड़े महाद्वीप एशिया और इसका सबसे चर्चित देश भारत अपने विभिन्न संपदाओं और विशिष्ट संस्कृतियों के लिए सदियों से आकर्षण का केंद्र बना रहा है। हिंदुस्तान की मिट्टी में सना हुआ यहाँ का गौरवशाली इतिहास वर्तमान भारत के अनेक ऐतिहासिक क्षेत्रों के अतीत की यात्राओं में शामिल होने को मजबूर करता है। हजारों वर्षों से प्रचलित गौतम बुद्ध की तपस्थली हिंदुस्तान के बिहार राज्य में स्थित है। इसी बिहार में एक गौरवशाली क्षेत्र रोहतास जो अपनी पहचान बनाने के लिए तत्पर है। रोहतास की इतिहास का यह विशाल गवाह पौराणिक काल से लेकर बीते हुए पल तक की असंख्य घटनाओं को अपने सीने में संजोए आज भी जीवित खड़ा है। जी हाँ, ये है कैमूर पर्वत श्रृंखलाएं। इतिहास के प्रत्येक कालखंडों में कैमूर के इन पर्वतों ने जब जब सांसें ली, हर बार इसे अलग अलग स्मरणीय खुशियां और गहरे दुख का आभास हुआ। लेकिन यहां से गुजरती शीतल हवाएं खुद संजीवनी बनकर कैमूर पर्वत की इन विशाल श्रृंखलाओं को अपनी के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया रोहतास। काशिता प्राग्दिक भागे प्रत्येक शोषण दादीप जहानवी विंध्योर मध्य देश कार्य स्मृत। पौराणिक काल के महान ऋषियों के विचारों की अनुपम तरंगे समय के विशाल परिधि को लांघकर यहाँ के पूरे क्षेत्र को अपने असर से आज तक प्रभावित कर रही है। साधना के क्षेत्र में वर्तमान काल के तपस्वी मुनि कैमूर के इन्हीं कंदरा गुफाओं में प्रवास कर अपनी तपस्या पूरी की। आज के ऐसे साधकों में परम पूज्य शिवानंद जी तीर्थ, बाबा ईश्वरदास तथा आज से 165 वर्ष पूर्व श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम के संस्थापक स्वामी अद्वैतानंद पुरी जी जैसे महात्माओं के नाम स्मरणीय हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक के इतिहास के कई कालखंडों के रहस्यों को अपने गर्भ में छुपाए पर्वत की ये विशाल श्रृंखलाएं अपनी दास्तान सुनाने को बेचैन हैं। बात उस समय की है जब सासाराम नगरी का नाम सहस्त्रार्जनपुरी था जो सहस्त्रपुर की राजधानी थी। इस प्राचीन क्षेत्र का राजा 1000 भुजाओं वाला अत्यंत पराक्रमी सहस्त्रार्जुन था जो सहस्त्रबाहु के नाम से चर्चित था।
सहस्त्रबाहु का विवाह गांधियार जो वर्तमान में गाजीपुर में है उनके राजा गाध की दूसरी पुत्री शांता से हुआ था। राजा गाध की पहली पुत्री रेणुका की शादी महर्षि जमदग्नि से हुई थी। महर्षि जमदग्नि ने अपने जमदग्नि आश्रम जो आज जमनिया में स्थित है रुद्र यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ में राजा सहस्त्रार्जुन भी पधारे। यज्ञ की समाप्ति के बाद सहस्त्रबाहु ने महर्षि जमदग्नि की कामधेनु गाय को मांगा। जमदग्नि ऋषि कामधेनु को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने कामधेनु को देने से इनकार कर दिया। इस इनकार पर राजा सहस्त्रबाहु महर्षि जमदग्नि से युद्ध ठान ले। घमासान युद्ध में जमदग्नि ऋषि मारे गए और सहस्त्रार्जुन कामधेनु लेकर अपनी राजधानी लौट आए। महर्षि जमदग्नि के चार पुत्र थे। चौथे पुत्र परशुराम बड़े ही वीर और प्रतापी थे। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने सहस्त्रपुर पर धावा बोल दिया। युद्ध में उन्होंने सहस्त्रबाहु की 998 बाहें काट डाली। परशुराम की मौसी शांता जो सहस्त्रबाहु की पत्नी थी उन्होंने परशुराम को समझाकर सहस्त्रबाहु को बचा लिया। सहस्त्रबाहु के शिव भक्त होने के कारण सहस्त्रबाहु और परशुराम के बीच संधि हो गई और परशुराम ने उसे वरदान दिया कि इस नगर के नाम में पहले तुम्हारा ही नाम आएगा और बाद में मेरा नाम। इस आधार पर सहस्त्रपुर का नाम सहस्त्रार्जुन के नाम का सहस्त्र और परशुराम के नाम का राम मिलकर सहस्त्र राम हुआ, जो आगे चलकर सहस्राम कहलाने लगी। फिर बदलते समय के साथ बोलचाल की भाषा में इस शहर का नाम हो गया सासाराम। ये आज के सासाराम का रेलवे स्टेशन है जो देश के प्रत्येक खंड को रेल मार्ग से जोड़ता है। पूरब में उड़ीसा तथा कोलकाता, उत्तर पश्चिम में भारत की राजधानी दिल्ली और पश्चिम में आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए रेलगाड़ियों से हजारों लाखों यात्रियों का आवागमन होता है। विकास के नाम पर मुगल शासक शेरशाह सूरी द्वारा प्रदत्त सड़क मार्ग जीटी रोड, जिन पे अनेक गाड़ियां दौड़ा करती हैं, यहाँ के अनगिनत यात्रियों को यातायात की सुविधा देता है। सासाराम के इस बस अड्डे से निकली गाड़ियां बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, उत्तर प्रदेश में वाराणसी और आसपास के अनेक क्षेत्रों को सुगमता से जोड़ता है। इतनी बड़ी संख्या में यात्रा कर रहे यहाँ के लोग सासाराम की आबादी के एक हिस्से मात्र हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार सासाराम की जनसंख्या 158,799 तथा रोहतास की कुल आबादी 24,42,762 आंकी गई, जबकि 1981 में सासाराम की जनगणना 73,457 के आंकड़े को दर्शाती थी और रोहतास की जनसंख्या 23,66,325 थी। स्वतंत्र भारत में की गई ये पहली जनगणना थी। इस अमूल्य भारत की स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली। सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर हिंदुस्तान एक ऐसा देश रहा है जिसने अपने वजूद के लिए समय के हर मोड़ पर संघर्ष किया। सन 1757 में ब्रिटिश राज की शुरुआत हो चुकी थी और ये गुलामी की जंजीर समस्त भारत को अपने हुकूमती शासन से धीरे धीरे जकड़ने लगी। बिजनेस के नाम पर हिंदुस्तान आई ईस्ट इंडिया कंपनी की दहक देश के हर कोने कोने में उठ चुकी थी, जिसमें बंगाल, बिहार और उसका ये छोटा सा क्षेत्र रोहतास सब चपेट में थे। इस नए ब्रिटिश सरकार के आगाज के बाद से ही
नागरिक विद्रोह की चिंगारी सुबुगाने लगी और यही सुबुगाहट धीरे धीरे पूरे देश में आग बनकर अंग्रेजों के खिलाफ ऐलाने जंग की ज्वाला भड़का दी। 100 साल बाद सन 1857 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल पहली बार जब पूरे देश में एक साथ गूंजा, तब उस वक्त रोहतास क्षेत्र भी पीछे नहीं था। कई देशभक्त वीर क्रांतिकारियों ने इस विद्रोह को प्रशस्त कर दिया। इधर कैमूर के क्षेत्र रोहतास में मशहूर मृत्यु दल की सेना, जो ये भूल चुकी थी कि उनके धड़ के ऊपर सर भी है, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रही थी। ब्रिटिश को यमराज की छवि दिखाने वाले ये वीर थे निशान सिंह। गोरिल्ला युद्ध रणनीति में माहिर निशान सिंह वीर कुंवर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और उनके छक्के छुड़ाए। कई साहसिक और सफल प्रयासों के बाद 5 जून 1858 को निशान सिंह अपने प्रवास स्थान कैमूर की पहाड़ियों से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। वहां से उन्हें घसीटकर सासाराम लाया गया। अगले दिन 6 जून को ब्रिटिश दरबार में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। 7 जून 1858 को ठीक सुबह 7:30 बजे सासाराम के गोलक्षण में तोप के मुंह से बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। ऐसे वीर शहीद की याद में उनकी शहादत स्थली पर बना ये स्मारक आज भी शहीद निशान सिंह की गौरव गाथा सुना रहा है। निशान सिंह द्वारा लगाई गई ये आग अब और भड़क उठी थी। नतीजतन समय के साथ हजारों लाखों की संख्या में लोग अपने हाथों में विद्रोह का मशाल लिए आजादी के इस युद्ध में कूद पड़े। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए रोहतास के जाबाजों में दिलदार खान, हाजी बेगम, भवानी दयाल सन्यासी, राजा राम, दशरथ राम के नाम सर्वोपरि है। भवानी दयाल सन्यासी अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक प्रखर नेता थे। उन्होंने परम पूज्य महात्मा गांधी को रोहतास में आमंत्रित किया और 19 अगस्त
रोहतास की उपजाऊ मिट्टी से सिर्फ फसल की महक ही नहीं आती, बल्कि इस धरती से निकली साहित्य की खुशबू हवाओं से निपटकर चारों दिशाओं में बहती हुई यहाँ के साहित्यकारों का परिचय भी देती है। ऐसे ही एक महान का गौरव प्राप्त हुआ। इनका जन्म रोहतास के धरकंदा गांव में सन 1674 में हुआ और आगे चलकर इनके नाम पर दरिया पंथ की स्थापना हुई, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। इन्होंने लगभग 21 ग्रंथों का लेखन किया। सन 1780 में लगभग 106 वर्ष की आयु में वे महानिर्वाण को प्राप्त हुए। 10 सितंबर 1890 को जन्मे श्री राधिका रमन प्रसाद सिंह ने हिंदी साहित्य के विकास में स्मरणीय योगदान दिया। सूरजपुरा स्टेट के निवासी पद्म विभूषण राधिका जी की गणना हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकारों एवं विशिष्ट शैलकारों में होती है। इनके उपन्यास, कथा संग्रह और नाटकों की संख्या करीब 2.5 दर्जन है। इसी परंपरा की चौथी पीढ़ी श्री उदयराज सिंह जी ने भी साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। श्री राम खेलावन पांडे, श्री हवलदार त्रिपाठी सहृदय, कुंज बिहारी कुंजन, इन लोगों के नाम उच्च कोटि के कथाकार, कवियों और आलोचकों में शुमार हैं। रामेश्वर सिंह कश्यप भोजपुरी में लिखित रेडियो नाट्य श्रृंखला लोहा सिंह। सन 1952 में इस कॉलेज का नया नाम श्री शांति प्रसाद जैन के नाम पर रखा गया। आज एसपी जैन कॉलेज के नाम से चर्चित इस महाविद्यालय में लगभग 9000 छात्र विभिन्न विषयों से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा हासिल। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कई लोगों ने अपना विशिष्ट योगदान देकर नए कीर्तिमान स्थापित किए और ऐसे विशेष तथा महान कार्यों के लिए इन लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामाजिक विकृतियों एवं विद्रूपताओं पर करारा प्रहार करने वाला साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि पथ प्रदर्शक भी होता है। ऐसी साहित्यिक और शिक्षित मिट्टी इस क्षेत्र को धर्म, जाति, रंग, वर्ण सबके बंधनों से मुक्त रखी है। विभिन्न धार्मिक स्थलों से सुसज्जित इस नगरी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपनी अपनी भावनाओं को अपने अपने तरीके से जाहिर करते हैं। सासाराम से दक्षिण 4 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर पहाड़ियों की गुफा में
माँ तारा चंडी भवानी का अत्यंत प्राचीन सिद्ध शक्ति पीठ है। जगत जननी माँ तारा के तीन रूप हैं। पहला रूप तारा, दूसरा एक जटा और तीसरा नील सरस्वती का है। मेरो पश्चिम कुलेन चोल तारात्मो हृदो महान तत्र यक्षे स्वयं तारा देवी नील सरस्वती। तारा चंडी धाम से करीब 15 किलोमीटर पूर्व दक्षिण कैमूर के पहाड़ियों पर तिरोथू गांव के नजदीक एक अत्यंत प्राचीन तुतला भवानी धाम स्थित है। कहते हैं कि प्राचीन काल में एक महिला यहां सती हुई थी और तब से यह स्थल हिंदुओं की आस्था का केंद्र बन गया और आगे चलकर तुतला भवानी धाम के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि इस्लाम धर्म के सर्वप्रथम प्रचारक हजरत सैयद मीर हुसैन हुए। ऐसे महान सूफी का इस क्षेत्र में पदार्पण हुआ। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे के वंशज हजरत सैयद मीर हुसैन चंद्रतन शहीद पीर के नाम से भी जाने जाते हैं। सासाराम के पश्चिम छोटी पहाड़ी पर चंद्रतन शहीद पीर का मजार अवस्थित है। आज भी इस महान पीर की आध्यात्मिक शक्तियां हजारों श्रद्धालुओं को लाभान्वित करती रहती हैं। शाहजहां के जमाने का बना हुआ सासाराम में शेरशाह रोजे के पश्चिम भाग में ये ईदगाह मौजूद है। सन 1633 से 36 के बीच इसे मुजाहिद खान ने बनवाया था। ईद के दिन मुस्लिम बंधुओं द्वारा यहां सार्वजनिक नमाज अदा की जाती है। सासाराम नगर सिखों के लिए 17वीं शताब्दी से एक पवित्र धर्म स्थली रहा है। सन 1666 में सिखों के नवम गुरु तेग बहादुर जी अपनी धर्म पत्नी माता गुजरी के साथ सासाराम में कुछ दिनों तक प्रवास किए थे। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी माता गुजरी के गर्भ में थे। बाबा गुरुदत्त जी द्वारा शापित एक बाघ को गुरु तेग बहादुर जी ने अपने आशीर्वाद से फिर से हरा भरा कर दिया और यहां रहकर उन्होंने तपस्या भी की। ये स्थान आज गुरु जी के बाग से चर्चित है। गुरु जी ने अपने विराट रूप का दर्शन उस वक्त के एक वृद्ध तपस्वी को दिया जो आज चाचा फागुमल के नाम से अमर है। कहते हैं कि चाचा फागुमल को दर्शन देने के लिए गुरु जी अपने घोड़े पे सवार इसी छोटे से दरवाजे से होकर अंदर प्रवेश किए और चाचा शब्द से पहली बार फागुमल जी को संबोधित किया। ठीक इसी स्थान पे आज ये विशाल चाचा फागुमल गुरुद्वारा इस ऐतिहासिक घटना को संजोए रखा है। इस गुरुद्वारे के प्रांगण में गुरु जी द्वारा बोया गया ये बेर का वृक्ष लगभग 350 साल पुराना है। ये पावन वृक्ष तने से सूखा तथा ऊपर से हरा भरा है और इसके फलों में आज तक गुरु जी के प्रेम की मिठास बरकरार है। गुरु तेग बहादुर जी के आशीष से पोषित तथा इतने अद्भुत गुणों से सुसज्जित इस वृक्ष को लोग अब बेर साहिब के नाम से सम्मानित करते हैं। सासाराम के दक्षिण बूढ़न पहाड़ी के नजदीक ईसाई बंधुओं का ये प्रमुख चर्च है। सन 1956 में एक अमेरिकी मिशनरी फादर जोसेफ मैन द्वारा इस गिरिजाघर की स्थापना की गई। जीसस क्राइस्ट तथा मदर मैरी की प्रार्थना के लिए ईसाई इस चर्च में एकजुट होते हैं। धर्मनिरपेक्ष समाज का ये उत्कृष्ट नमूना
20वीं शताब्दी से हुई शुरुआत की देन है, जबकि अंग्रेजी शासनकाल के आगाज के पहले मुगलों की सल्तनत समस्त हिंदुस्तान में अपना परचम लहरा रही थी। अभिलेखों के अनुसार सन 1494 ईस्वी में दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने सासाराम क्षेत्र का अधिपति राजा शालिवाहन को बनाया, किंतु कुछ ही वर्षों बाद सिकंदर लोदी ने यह क्षेत्र शालिवाहन से छीनकर जमाल खां के हवाले कर दिया। जमाल खां ने 1498 से 1499 में हसन खां सूरी को 500 घुड़सवार सिपाहियों के साथ बहरामपुर, टांडा ख्वासपुर और सासाराम की जागीर सौंप दी। हसन शाह सूरी ने अपने शासनकाल में एक रोजे का निर्माण करवाया। उनका बनवाया हुआ ये रोजा सासाराम नगर के बीच में स्थित है। इस रोजे को सूखा रोजा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चिमी छोर पे पानी की एक बावली है, जिसे अंधेरी बावली के नाम से जानते हैं। हसन शाह सूरी के बाद अपने शासन शौर्य एवं राजनीतिक दुर्दशा के बल पर 1540 में हुमायूं को हराकर भारत सम्राट बनने वाला एक महान शख्स हसन खां सूरी का बेटा शेर शाह सूरी हुआ। शेर शाह अपने दिल्ली की बादशाहत को अपनी वीरता तथा पराक्रम से 1540 से लेकर 1545 तक बरकरार रखा। 16वीं शताब्दी के इस वीर शहंशाह ने सासाराम में एक भव्य रोजे का निर्माण करवाया, जिसमें अफगान स्थापत्य कला की बेमिसाल झलक देखने को मिलती है। यह रोजा सासाराम शहर के पश्चिमी ओर स्थित है। इसकी दीवारों पर कमल के भित्ति चित्र शेरशाह के हिंदू प्रेम को दर्शाते हैं। मकबरे की पहली मंजिल अष्टकोणीय वास्तुकला से परिपूर्ण है। 3 मंजिलें इस मकबरे का ऊपरी भाग गुंबदनुमा है। यह रोजा पानी के एक बड़े तालाब के बीच में बनाया गया है। इस तालाब की लंबाई 1130 फीट और चौड़ाई 865 फीट है। अभिलेखीय स्रोतों के अनुसार इस मकबरे के अंदर जाने का एकमात्र रास्ता सुरंग हुआ करता था, परंतु कालांतर में इस सुरंग के ढह जाने से मकबरे तक के जाने का कोई मार्ग नहीं बचा। सन 1882 के ब्रिटिश शासनकाल में पर्यटकों के लिए रोजे तक के जाने का 350 फीट लंबा पुल हसन सूर कायम।
बिहार बंगाल का सूबेदार बनाया गया तो उन्होंने रोहतास गढ़ को अपनी राजधानी बनाई और 1607 ईस्वी तक यही रहे। का निर्माण करवाया जो आज रोहतासगढ़ किले के नाम से मुगल काल से होते हुए ब्रिटिश काल के बाद समय के इतने बड़े धरातल पर कहीं कुछ खास लोग प्रसिद्ध हुए तो कुछ चीजें मशहूर। अंग्रेजी सत्ता के पतन के वक्त से अपने कर्म से ख्याति प्राप्त कर चुके रोहतास के लोगों की सूची में कई चेहरे ऐसे हैं जिन्हें हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सासाराम के निर्वाचन क्षेत्र से उभरे भारत की राजनीतिक गलियारों में चर्चित हुए बाबूजी सन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रोविजनल सरकार में सबसे युवा मंत्री के रूप में उजागर हुए और प्रथम भारतीय कैबिनेट में श्रम मंत्री के रूप में पदासीन हुए। जी हां, सही पहचाना, ये महान अमर शख्स बाबू जगजीवन राम है। सन 1946 से 1977 तक बाबूजी ने विभिन्न मंत्रालयों जिनमें रेलवे, यातायात एवं संचार, खाद्य एवं कृषि तथा रक्षा मंत्रालय का कार्यभार बड़ी सुगमता पूर्वक निभाया। 23 मार्च 1977 से 22 अगस्त 1979 तक उन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में रहकर देश के विकास में स्मरणीय योगदान दिया। 1936 से 1986 तक निरंतर 50 वर्षों तक संसद में अपने इस अटूट कार्यकाल से स्वर्गीय जगजीवन राम जी ने उस वक्त एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। 6 जुलाई 1986 को बाबूजी अपनी स्वर्णिम छवि को छोड़ इस दुनिया को अलविदा कह गए। बाबूजी की इस अमिट अमूल्य छवि के सुनहले सिलसिले को आज तक बरकरार रखने तथा आगे बढ़ाने का श्रेय उनकी सुपुत्री श्रीमती मीरा कुमार को जाता है। 31 मार्च 1945 को जन्मी श्रीमती कुमार 1973 में भारतीय विदेश सेवा में चयनित हुई और स्पेन, यूनाइटेड किंगडम तथा मॉरिशस के एम्बेसी में सेवारत रही। IFS की सेवा करने के बाद 1985 में इन्होंने पहली बार चुनावी राजनीति में अपना कदम रखा। भारतीय राजनीति में श्रीमती कुमार 5 बार सांसद चुनी गई और 3 जून 2009 की लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर बनकर भारत में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया।